हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। व्रत में साबूदाने की खिचड़ी किस तरह बनाते हैं, आप पुलाव भी कह सकते हैं, वो दिखाती हूँ। आपको जितना भी साबूदाना चाहिए 250 ग्राम या आधा किलो मेंबर्स के हिसाब से, आपसे अच्छी तरह 2-3 बार धो ले। और अक्सर आप देखेंगे लोग कहते हैं कि वो मिक्स हो गए, गल गए और ठीक से बनी नहीं, खिले खिले। उसके लिए एक स्पेशल कला है, वो ये कि आप इन्हें पानी में रखें नहीं, पानी में जिस तरह चलने में निकाल दें और बीच में 10-15 मिनट बाद बार इस तरह पानी के छींटे देते रहें। जैसे आप पानी लिया और इसके इस तरह से छींटे देते रहें, ऐसा कम से कम 2-2.5 घंटे आप इन्हें भीगने दें। आप देखेंगे ये इस तरह खिले खिले हो गए और थोड़े थोड़े देखिए फूल भी गए हैं और पक गए हैं। जैसे लग रहा है उतने कठोर नहीं है, उतने कठिन कड़े नहीं है। ये देखिए, अब क्या कीजिए, आप कढ़ाई चढ़ाएं और कैसे बनाते दिखाती हूँ। उसमें आप एक बड़ी चम्मच घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने घी दिया है, शुद्ध घी अलग से जो निकाल के रखते हैं। अब ये घी जब तक गर्म हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और आप क्या देंगे। इसमें अधिक चीजें नहीं देते। ये देखिए, मूंगफली, बादाम, इसे हमने इसको सेक के कुछ पीसेस बना लिए इस तरह, और बस काली मिर्च देंगे और सेंधा नमक व्रत वाला, और अभी कुछ नहीं देंगे। ये देखिए घी गर्म हो रहा है और क्या करेंगे इसमें, आप देखिए आलू उबाल के इस तरह छोटे छोटे उसके पीसेस बना लीजिए। अब ये घी गर्म हुआ है, इसमें आप सबसे पहले क्या दीजिए, जो हमने मूंगफलियां ऐसे सेक किए उसे डालें और इसे ज्यादा नहीं 1 मिनट ऐसे सेकेंगे। और इसी में आप चाहें तो आप कुछ हरी मिर्च, देखिए हरी मिर्च और धनिया है, चाहें तो कुछ हरी मिर्च भी ले सकते हैं। देखिए ज्यादा भी नहीं सेकना है क्योंकि आपकी मूंगफलियां पहले से भी सिकी हुई है। 1-2 मिनट बस इन्हें सेकेंगे, गुलाबी गुलाबी हो गई है मूंगफली। इसमें हम अपने जो उबाले हुए आलू है जो पीसेस बनाए वो आप दें, ये भी आप अपनी इच्छा के अनुसार, अगर बहुत अधिक देना चाहें तो अधिक दें, थोड़े कम देना चाहें तो कम दें। ये देखिए सर, आलू दे दिए, इन्हें भी 2 मिनट चलाएं। इसमें और हम नमक, सेंधा नमक देते हैं, सेंधा नमक आपकी सेहत के अनुसार, आप एक बड़ी चम्मच देंगे तो भी हो जाएगा, सेंधा नमक आप अपनी सेहत के अनुसार दें। ये देखिए सेंधा नमक दे दिया, अब इसमें आप ये जो है साबुदाना जो हमने भिगो के रखा है पानी के छींटे दे देते, ये देखिए बिल्कुल खिले हुए, कहीं भी ये चिपकते नहीं है, इन्हें आप दें। और थोड़ा तो टेस्ट चाहिए, आप इसमें काली मिर्च इस तरह पीसी हुई काली मिर्च आप दे दें, ये भी आपको अगर अधिक तीखा पसंद है तो आप अधिक दें वरना कम ही दें। अब अधिक कुछ नहीं करना होता है, इसे चला के गैस को आप एकदम लो कर दीजिए, लो फ्लेम में कर दीजिए, और इसे अच्छे तरह चला के आप इसे क्या करें, ढक के खाली से रख देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, कम से कम आपको 15 या 20 मिनट तक रखना ही होगा, तब आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया, यानी एकदम पानी की जैसे, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है साबुदाने का भी वही कलर हो गया। आप देख सकते हैं एकदम अलग अलग है, किले किले। अभी हम अच्छे से मिला लिए हैं, अभी हम ढक के रख देंगे और 1-2 मिनट बाद इन्हें बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। अच्छे से चलाया फिर इसे ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, व्रत में हम दही भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन वही होगी कि हम नॉर्मल नमक नहीं डालेंगे, सेंधा नमक। वैसे आपको बता दूं, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है दही में कभी भी नमक लेना ही नहीं चाहिए, लेना भी हो तो चीनी ही लेनी चाहिए या आप सादा खाएं, क्योंकि इसके सारे तत्व विदिन ए मिनट नष्ट हो जाते हैं अगर हम इसमें नमक डालते हैं। तो दही और ये आप खा सकते हैं। देखिए जैसे जो आलू है और अगर छोटे पीसेस हैं इनका भी आप एक चाट बना सकते हैं, उसमें भी अधिक कुछ नहीं डालना। ये देखिए जैसे ये है, अब इसमें आपको कुछ नहीं डालना, यही जो बची हुई बस ये, ये देखिए थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, थोड़ी सी काली मिर्च और आधा नींबू डाल दें और इन्हें मिला लें, और चाहे तो एक दो हरी मिर्च दे दें छोटी छोटी, और आपकी इनके साथ एक आलू की चाट भी तैयार हो गई। जैसे ये देखिए थोड़ा सा और थोड़ा सा ही नमक बस, और इसमें नींबू डाल के जब आप खाएं उस समय नींबू डालें, आपकी चाट, आपका फलाहार तैयार।
अब इतने में आप 2-3 मिनट हो चुकी हैं, इसे एक बार फिर हिला लो। कोला आप देखें अभी भी खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी लगते नहीं है। यही प्रक्रिया कई बार हो गया, इसे ढकेंगे 2-3 मिनट बाद चलाएंगे, फिर ढक देंगे और आपकी आप साबुदाना का पुलाव के लिए, खिचड़ी के लिए, व्रत के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसमें आपने जो धनिया छोटे छोटे पीसेस बना के रखे थे वो ऊपर इस तरह दे दें। धनिया से खुशबू अच्छी होती है किसी भी चीज में, हम जानते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है। ये देखिए और उसे और अच्छे से हिलाए, आप देख सकते हैं जो बॉल्स है उनका भी कलर, कुछ का तो वाटर कलर हो चुका है ऑलरेडी जो साबुदाना है। और ये आपको और 2-3 मिनट आप रखें, ढक के रख दें। और ये आपकी साबुदाना की खिचड़ी या व्रत की खिचड़ी, पुलाव, जो भी कहें आप, तैयार। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा व्रत का फलाहार तैयार। ये साबुदाना की खिचड़ी मैंने बनाई, ये चाट आलू वाले हुए, दही, इसमें आप कुछ न दें, नमक वैसे भी नहीं देना चाहिए मैंने बताया, और आप बिना नमक नहीं खा सके तो इसमें फिर सेंधा नमक दें, कोई भी फल है, ये आपका एक कंप्लीट फलाहार तैयार। आई होप यू लाइक इट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ, गॉड ब्लेसेस ऑल, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।